Dear students, this is another video of the chapter change in profit sharing ratio among existing partner. बेटा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो उसमें दो केसेस बताए थे. एक केस था कौन सा कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अभी वही करवा रही हूँ. एक क्वेश्चन रह गया इसका. दो पॉइंट बताए थे कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और बी केस करवाया था, बताया था मैंने कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो इस क्वेश्चन के बाद कराऊंगी. अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 38 कराने जा रही हूँ आपके डीके गर्ल की बुक का. पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके समझाती हूँ. ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. ए बी सी तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5, 2:5, 1:5 है. फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 they decided to share profits and losses equally. उन्होंने सोचा कि उनकी 2019 अप्रैल 1 से क्या हो जाए, रेशियो रिवाइज हो जाए. उनकी रेशियो है 1:1:1. फॉलोइंग बैलेंसेज अपेयर इन देयर बुक्स. हमें क्वेश्चन के अंदर उनके कुछ बैलेंसेज दे रखे हैं. क्या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 20,000 दे रखा है. अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ये प्रॉफिट को पार्टनर में और रेशियो में बांटते हैं. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट दे रखा है, तो ये भी पार्टनर में हम उनकी ओल्ड रेशो में बांटते हैं. कैसे बांटते हैं वो मैं अभी बता रही हूँ. अगला आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000. बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये रिजर्व भी ओल्ड रेशो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. बाकी आगे रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है. इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. की वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन टू 2. फर्म्स एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 75,000. कैपिटल इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस इज 6 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. एवरेज प्रॉफिट पता है, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है. फिर जो आएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 2 कर देंगे तो वैल्यू गुडविल निकल जाएगी. और गुडविल की एंट्री आपको आती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सेकेंड पॉइंट पढ़ना है आपने, फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ 50,000 टू बी रिड्यूस टू 30,000. इसका मतलब क्या है, जो फर्नीचर जिसकी बुक्स में वैल्यू हमें दे रखी 50,000 है, कम होकर 30,000 रह गया. इट मीन्स कितना कम हो गया, 20,000 कम हो गया. टी और टू वर्ड देखो आप, 30,000 तक आ गया कम होकर, यानी पिछली वैल्यू कितनी कम होगी, 20,000 ही हमारे लिए क्या है, लॉस. आपको पता है जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो लॉसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट में. अगला है कंप्यूटर बुक वैल्यू 40,000 भी रिड्यूस बाय 10,000. कि जो कंप्यूटर है 40,000 की बुक्स में वैल्यू है वो 10,000 से क्या हो गया, कम हो गया. रिड्यूस्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है, 10,000 से कम हो गया. तो 10,000 जो है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू कंप्यूटर आ जाएगा. क्यों, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की वैल्यू अगर कम होगी वो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 50,000. अब देखो ऊपर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दे रखा है और क्लेम हमारा कितना है 50,000 का. तो जो 10,000 रुपीज है वो हम पार्टनर में बांट देंगे. क्यों, क्योंकि 60,000 रुपीज हमने जोड़ के रखे हैं वर्कर के लिए, लेकिन क्लेम 50,000 ही हुआ. तो 10,000 जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 30,000 है, रीवैल्यू 25,000 हो गई. बेटा जब टी और टू आ जाए या एट आ जाए, इसका मतलब है कि यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई, कम होकर या ज़्यादा होकर. लेकिन अगर रिड्यूस्ड बाय आ जाए तो कम हो गई है, इतने से कम हो गई तो रिवैल्यूएशन में वो आता है. अगर इंक्रीज्ड बाय आ जाए, इंक्रीज बाय मान लो 5,000 आ गया, तो 5,000 से बढ़ गई है, तो वो आपने रिवैल्यूएशन में किस तरह शो करना है. अगर एसेट बढ़ गई है तो एसेट हमारा फायदा है बढ़ना, तो बाय में आ जाएगा. अब देखो जनरल एंट्रीज बनाने को कहा है, और कुछ भी हमें नहीं बनाना. ना हमें कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया, ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया, ना ही बैलेंस शीट. तो आप पहले क्या करोगे बेटा, वर्किंग नोट्स बनाओगे. वर्किंग नोट्स क्वेश्चन नंबर 38 में हम लिखेंगे ए बी सी ओल्ड रेशियो बेटा इनकी दे रखी है हमें 2:2:1. न्यू रेशियो इनकी दे रखी बेटा इक्वल, न्यू रेशो 1:1:1. आप क्या निकालेंगे पहले, सेक्रीफाइस और गेन. ठीक है, ए जो है इसका जो ओल्ड शेयर है दैट इज 2:5, न्यू कितना 1:3. तो ऐसे हम आ गया बेटा 15, 6 - 5, 1:15, दैट इज सेक्रीफाइस. ठीक है, अब बात करें अगर हम बी की, बी का कितना बेटा 2:5
और म्यू कितना है 1/3, तो इसका भी सेम ही आ जाएगा बेटा 15 एलसीएम, 6 - 5 1/15 सैक्रीफाइस। अब बात करें सी की, तो सी का क्या आएगा बेटा, सी का ओल्ड है 1/5, न्यू है 1/3, तो आ जाएगा 15, 3 - 5 - 2/15, तो आ जाएगा बेटा गेन। अब आप ध्यान रखो, देखो बेटा दो बंदों ने सेक्रीफाइस किया, किस किस ने, बी ने 1/15 + 1/15, तो इसको कितना हो गया 2/15 का गेन हो गया, नहीं जो दो बंदे सेक्रीफाइस करें वो एक का क्या बन गया गेन। अब आप वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो निकालोगे, वैल्यू ऑफ गुडविल को निकालने से पहले आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ है कि हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करा पैसा, दैट इज 6 लाख इंटू, आपको फार्मूला आता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। मैंने इसको सीधा ही सोल्व करके बता दिया, 60,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट बेटा का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए और बस एवरेज प्रॉफिट 75,000 दे रखे हैं और 60,000 का हमने क्या करा है अभी, क्या निकाला है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा 15,000 आ जाएगा। तो जो निकलेगी फिर वैल्यू ऑफ गुडविल, उसका फार्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल कहता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 दे रखे हैं, 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 30,000। जो ये 30,000 है ये तो पूरी फर्म की गुडविल आ गई, पर हमने क्या करना होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना होता है बेटा, तो ए का शेयर निकालेंगे, इसमें ए का शेयर इज इक्वल टू 30,000 × 1/15, ये आ जाएगा 2,000, ठीक है बेटा ₹2,000। अब बात हम करें बी की, तो बी से शेयर कितना आ जाएगा 30,000 का 1/15, ये भी कितना आ जाएगा 2,000। तो ये दोनों का जो है 2,000 जो हम किसको दे देंगे, हम दे सॉरी अब निकालेंगे हम सी का शेयर, जो सी है क्योंकि उसने गेन किया है तो सी डेबिट होगा कितने से 4,000। अब 4,000 कैसे आए वो भी बता देती हूँ, एक्चुअल में 2,000 सी ए को देगा और बी को देगा, तो 4,000 ही देगा ना, फिर भी आप देख लीजिए हमारे पास गुडविल 30,000 आई है, 30,000 का अगर हम 2/15 करें तब भी वही आएगा जो मैंने आपको बताया कि 4,000 रुपीज, यानी कि सी जो है प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा चाहता है, पर उसको गुडविल का हिस्सा किसको देना पड़ेगा ए और बी को, कितना 2,000 देना पड़ेगा, एक एंट्री तो इसकी बनेगी। क्लियर हो गया बेटा आपको, अब हम बनाएंगे जर्नल, क्लियर। जर्नल का फॉर्मेट आप सबको आता ही है, अगर हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर पहले रिजल्ट्स दे रखे हैं आप उसकी एंट्री कर दीजिए तो बेटर रहेगा, पर मैं ये नहीं कहती कि आप कोई भी एंट्री जो है कौन सी पहले करो, क्योंकि डेट जिस डेट को रेशो रिवाइज हुई है उसी डेट को एंट्रीज होनी है, तो आगे पीछे एंट्रीज कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे, बस एंट्री सारी होनी चाहिए आपकी। जनरल का फॉर्मेट आपको आता है, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में हमेशा याद रखना हम लोग प्लीज वर्ड जरूर लिखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि रेशो कब रिवाइज हुई है, कौन से ईयर में, 2019 में हुई है, अप्रैल 1 को हुई है, तो जितनी भी एंट्रीज हम करेंगे अप्रैल 1 को करेंगे। पहली एंट्री जो है मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की करा रही हूँ, क्वेश्चन के अंदर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का जो है बैलेंस क्रेडिट है, तो जब बांटेंगे तो वो क्या आ जाएगा डेबिट हो जाएगा, तो आपकी एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किसको बांट रहे हैं हम, तीनों पार्टनर को बांट रहे हैं, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2 पार्टनर का नाम है ए, हम ए में डाल देंगे प्रॉफिट का हिस्सा, जब प्रॉफिट देंगे तो नेचुरल उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल कहाँ जाएगी क्रेडिट में, तो आप देखिए हमारे पास कितना दे रखा है प्रॉफिट, उनको हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन प्रॉफिट हमें 20,000 दे रखा है, 2/5 साइड पे मैं करके बता देती हूँ, 2/5 8,000 आ जाएगा, अगले का भी 2/5 ही है वो भी 8,000 आ जाएगा, अगले का 1/5 है तो आपका आ जाएगा 4,000। आप लिखोगे बीइंग सॉरी
8000 किसी के सामने लिखना है, ए के सामने ए का अमाउंट 8000, बी के सामने बी का अमाउंट 8000 और सी के सामने सी का अमाउंट 4000। आप क्या लिखोगे? बीइंग अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, ट्रांसफर कर दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कहां पर डालती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर का मतलब होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया। अब बात करें हम सेकंड एंट्री की, वो एंट्री भी कब होगी? अप्रैल 1 को। अब आप देखिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो है सस्पेंस दिया हुआ है, डेबिट दिया हुआ है, तो जब बांटेंगे वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री होगी सेकंड एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्चुअल में ये लॉस है, तो लॉस होगा तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट। वर्ड देखो एडवर्टाइजमेंट के आगे सस्पेंस लगा हुआ है, तो अब लिखोगे टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए कितना है हमारे पास, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है 15000। डेबिट दिया था ना, तभी तो हमने इसको क्रेडिट दिया, क्योंकि जब हमने खत्म करना होता है तो वो रिवर्स चला जाता है 15000। इसको आप करके देखिए बेटा, 15000 का 2/5 6000, अगले का भी क्या आ जाएगा? 6000 आ जाएगा, अगले का 3000 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे नरेशन बीइंग एडवर्टाइजमेंट, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर किया है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करें हम अगली एंट्रीज की। ये एंट्री कौन सी थी? पहले तो देखो, ये जो प्रॉफिट था उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया, और दूसरी एंट्री मैंने जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है उसको मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब बात करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखिए हमारे पास कितना है, 60000 है, जबकि क्लेम कितना हुआ? 50000। तो 10000 जो हमारे पास बच गए हैं वो किसको बांट देंगे? पार्टनर में बांट देंगे। डेट बेटा वही रहेगी अप्रैल 1 2019 ही रहेगी, पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है 19, आप लिखेंगे अप्रैल 1। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर में बांट देंगे, जो रिमेनिंग होगा एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कि जो हमारे पास पैसे बच गए हैं वर्कर्स को देने के बाद, कंपनसेशन का देने के बाद, वो पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। आप देखिए हमारे पास रिजर्व कितना है, 60000 है। ठीक है, और क्लेम कितना हो गया? 50000। तो 50000 अगर दे दिया तो हमारे पास कितने बच गए? 10000 रुपीज बच गए, तो 10000 को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 2/5 4000 ए को दे देंगे, 4000 हम बी को दे देंगे, और सी को 2000 दे देंगे। बीइंग आप लिखेंगे बीइंग एक्सेस, आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग एक्सेस WCR वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर्ड टू, क्या किया, कहाँ ट्रांसफर किया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन
कौन सी रेशम बांटा है इन ओल्ड PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर हो गया। अब बात करें हम अगली एंट्री की। अब आप देखिए बेटा, पहले तो ना जब भी बच्चे पढ़ते हैं ना ये पॉइंट्स की, पहले जैसे गुडविल की एंट्री है, आप देखो गुडविल की एंट्री क्या थी, आपने देखा था सी ने क्या किया था, गेन किया था ना, तो आप एंट्री करेंगे एप्रल 1 को सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 किसको दे रहे हैं वो ए और बी को, गुडविल का शेयर क्यों, क्योंकि सी जो है गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल 2 सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है, तो आप करेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का आंसर मैंने निकाला था पहले 4000, जो कि वो दोनों को कौन सी करेगा, कितने अमाउंट देगा वो मैं आपको निकाल के दिखा चुकी हूँ, 2000 आपने किसकी एडजस्टमेंट की, गुडविल की है ना। फिर आप नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बींग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, बींग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन, क्या किया हमने PSR ड्यू टू चेंज इन PSR, आप ऑन भी लिख सकते हो ड्यू टू की जगह ऑन, ठीक है। अब हमारी जो है चार एंट्रीज हो चुकी है, अब हमारी एसेट जो है उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज में कोई और चेंज नहीं आया, क्योंकि लाइबिलिटी वाला चेंज तो मैं यहाँ दिखा चुकी हूँ प्रोविजन। तो अब आप क्या करोगे, अप्रैल में को और एंट्रीज करोगे। जब भी आप इतनी सारी एंट्रीज कर रहे हो ना, और आप पहले ये देख लो कि एसेट्स को रिवाइज करने पर हमें जो लॉसेज हो उसकी अलग एंट्री कर लो, और गेन की जो है वो एंट्री से अलग कर लो, लाइबिलिटीज की भी ऐसे करते हैं, जो फायदा है उसकी एंट्री इकट्ठी कर दो सारी, और लॉस की अलग कर दो। तो आपके क्या कहना चाहती हूँ मैं, जैसे सेकेंड पॉइंट में था फर्नीचर हमारा रिड्यूस हो गया है, तो फर्नीचर रिड्यूस होना हमारा नुकसान है ना, तो फर्नीचर एसेट होता है डेबिट होता है, लेकिन नुकसान कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और कौन सा लॉस है देखो जरा, फर्नीचर कितना डाउन हो गया है, पहले 50,000 था 30,000 हो गया, तो कितना कम हो गया, 20,000, ठीक है। अब जो है हमारा और क्या कम हुआ है, कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई 10,000 से, तो टू कंप्यूटर अकाउंट क्यों हम बार बार एंट्रीज करें, ठीक है। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी कम हो गई, 10,000 से, क्लियर हो गया। और वो एंट्री मैं अलग से करवा दूंगी, कौन सी वाली, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30,000 थी 25,000 रह गई, तो 5,000 जो है वो कम हो गई है, तो आप इन्वेस्ट, हाँ यहाँ भी दिखा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप यहीं पे दिखा दीजिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसका रीजन सुनो मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं था, तो अगर होता तो हम इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई थी ना 30 से 25 हो गई थी, वो हम वहां से ले लेते इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, पर यहाँ पर है नहीं, तो आप क्या लिख दोगे, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ, अब सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सारी एसेट जो है हमारी कम ही हुई है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, कि जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कम हुई थी तभी टू फर्नीचर आ गया, कंप्यूटर की वैल्यू डाउन हुई तो भी आ गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, डाउन हुई है, हमारे पास IFR तो पड़ा नहीं है, तो ये सारी हमारी जो है क्या है, ये सारे लॉसेज हैं। तो अगर हम इसका टोटल करें तो हमारा रिवैल्यूएशन का कितना आ गया, 35,000, ठीक है। अब बात करेंगे अप्रैल 1 को एक एंट्री और होगी, रिवैल्यूएशन का हमें लॉस हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा लॉस है, खुद देखो कि रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट आया तो नेचुरली कहाँ आएगा, क्रेडिट आएगा, तो पार्टनर सारे डेबिट हो जाएंगे, लॉस की सिचुएशन में पार्टनर क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारा रिवैल्यूएशन का 35,000 का लॉस है वो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर उतना ही जो डेबिट था 35,000 सारा का सारा क्रेडिट हो गया, 35,000 बीइंग 35,000 को पहले आप बांट के देख लो, 35,000 इनटू 2/5 14,000 ए में, 14,000 बी में, और 7,000 सी में आ जाएगा, 2:2:1 रेशियो में बांटते हुए, ठीक है। आप देखोगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स
कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप एक बार नजर मानो कौन सी एंट्री रह गई है। मेरे हिसाब से तो कोई एंट्री नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि देखो आपने PNL की एंट्री कर ली, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस की कर ली, वर्किंग कंपनसेशन की कर ली, गुडविल की कर ली, फर्नीचर की हो गई, कंप्यूटर की हो गई, इन्वेस्टमेंट की हो गई, है ना? ठीक है, तो अब आपको पूछा भी क्या हुआ था, जनरल एंट्री पूछी थी तो हमने ये कर दिया। तो बेटा जो मैंने पिछली वीडियो में और ये वाली वीडियो में कराया है ना, ये वो केस था कि वेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि हमने रिकॉर्ड करनी है। पर अब आपको मैं ऐसा केस कराने जा रही हूँ जो कि केस बी है, मैंने वहां लिखवाया था लेकिन सिर्फ बताया नहीं है कि वेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अगर रिकॉर्ड करनी होती है, जैसे केस ए था, तो उसमें क्या बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं रिवेल्यूशन अकाउंट, एक बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। पर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। जैसे ये क्वेश्चन मैंने जो कराया इसमें सिर्फ जनरल पूछा था, तो हमने जनरल ही बनाया। अगर हमें क्वेश्चन में रिवेल्यूशन बनाने को कहा जाता या पार्टनर की कैपिटल दी होती, कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा जाता या बैलेंस शीट दी होती, तो हम बैलेंस शीट भी बनाते, पर इसके अंदर हमने नहीं बनानी। अब हम बात करें बेटा केस बी की। अब बेटा हम करेंगे केस जो बी था, वेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब कि जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसकी जो वैल्यू होगी ना, जो चेंज होके आएगी, उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। तो आपको कैसे पता होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि पार्टनर डू नॉट वांट टू नोट द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। नोट का मतलब रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू, तो हमें रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी। तो उस सिचुएशन में हमें रिवेल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना, कैपिटल अकाउंट तब बनाना है जब पूछा हो, नहीं पूछा तो हमने नहीं बनाना। बैलेंस शीट भी तभी बनानी जब पूछी है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई है ना, वो नहीं लिखनी, हमें वही वैल्यू लिखनी है। इसका मतलब यही है, रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड का मतलब है रिकॉर्ड ही नहीं करनी। एक एग्जाम्पल है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख थी पहले, अब 5,50,000 हो गई है, तो वैल्यू 50,000 से बड़ी तो है ना, तो वो हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, वो क्या होगी बता रही हूँ। लेकिन हमने जो बैलेंस शीट किया एसेट में ना, वैल्यू 5,50,000 नहीं लिखनी, 5 लाख ही लिखनी है, समझ आया? जैसे फर्नीचर अमाउंट पहले 40,000 था, अब 38,000 हो गया, तो लॉस हो गया ना हमें। यहाँ एडजस्ट तो कर देंगे, लेकिन हम वहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर 40,000 ही लिखेंगे, मीन्स कैनकर रिवाइज वैल्यू शो ही नहीं करनी। अभी क्वेश्चन जाओगी तो पता चल जाएगा, पर पहले हम मैं ये बताने जा रही थी, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहले आएगा स्टेप वन, हमें क्या करना है, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिवेल्यूशन। कि जैसे रिवेल्यूशन तो नहीं बना रहे, पर हमारा रिवेल्यूशन का या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, वो क्या होगा बताती हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है, रिवेल्यूशन अकाउंट का इफेक्ट देखना है, गुडविल का देखना है, और रिजर्व एंड अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स का देखना है या लॉसेस का देखना है। इसका कैसे एडजस्टमेंट होगी वो मैं बता रही हूँ। मीन्स जैसे आप करते थे ना गेनिंग टू सैक्रीफाइसिंग, यहाँ भी वही चीज है, सिर्फ इतना है कि रिवेल्यूशन का वहाँ पे प्रॉफिट हम ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, लेकिन यहाँ रिवेल्यूशन का हम बना ही नहीं रहे। लेकिन देखो अगर आपको रिवेल्यूशन आता ना, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। अब आपको पता है सबसे पहले हम बोलेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी वो होता है, एसेट जो है अगर बढ़ जाए, मान ले फायदा के नुकसान है, फायदा है ना कि हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, तो वो हम अमाउंट लिखते हैं। फिर ऐड करेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी हमारी कम हो जाए, हमें कम देनी पड़े किसी बंदे को, तो भी बड़ा क्या फायदा। मीन्स ये दोनों फायदे है ना, एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेस क्या कर देंगे, इसका उल्टा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बेटा क्या हमारी, हमारा लॉस है ना कि वैल्यू कम हो जाए एसेट की, तो वो माइनस में लिख देंगे, माइनस करके। लेस कर देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए तो हमें ज्यादा देने पड़ रहे किसी को, हमारा लॉस है, वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे आप क्या बनाते थे पहले, रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते थे ना जब रिवाइज वैल्यू शो करते थे, पर इस सिचुएशन में आपने रिवेल्यूशन अकाउंट ना बना के प्लस माइनस करके दिखाना है। हाँ सर, आपको वैसे ही आएगा जैसे हम प्रॉफिट और रिवेल्यूशन करते थे या लॉस निकलता था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस में आ जाएगा, लॉस होगा तो माइनस में आ जाएगा। अब आपको याद होगा जब हम रिवेल्यूशन बनाते थे और गुडविल में की एंट्री क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रीफाइसिंग, पर यहाँ भी वही चीज हो रही है, सारे प्लस करके एक ही बार आप एंट्री कर रहे हो, जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, सिंगल एंट्री कहते हैं। क्वेश्चन में लिखा ही पड़ा होगा कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड दे डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू,
रिवाइजेशन शो ही नहीं करना चाहते, तो हमें याद रखना है प्लस माइनस करके दिखा देना, जो आंसर आएगा हमारा उसकी हम एक सिंगल एंट्री कर देंगे गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग अगर पॉजिटिव आंसर आता है। कैसे आता है मैं अभी बता रही हूँ, हम यहाँ तक पहुँच गए, प्रॉफिट और रिवेलेशन आ जाए तो पॉजिटिव होगा, अगर लॉस आ जाए तो माइनस में आएगा। ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको याद होगा वैसे अगर हम गुडविल की एंट्री करेंगे गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग होती है, यहाँ भी वही होगी, इकट्ठा ही हम प्लस करें। अगर हमारे पास एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो ये आपने एंट्री करी हुई है कि जब हम गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, कब करते हैं, जब एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, माइनस कर देंगे लॉसेस को। देखो यहाँ प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस। डेफर्ड एंड एक्सपेंडिचर जैसे मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस वो क्या आता है हमारा लॉस होता है, उसको भी हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बट आपको याद होगा ये सारे केसेस हमने अलग अलग किए थे, रिवेलेशन अलग बनाया था, वैल्यू गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की थी, अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व की अगर तो पार्टनर में जनरल एंट्री करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको पता है अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो होता था, लेकिन यहाँ पर हमने ऐड कर देना है क्योंकि वो बांटना ही नहीं चाहते। अगला आता है अकम्युलेटेड लॉस, दोनों में से एक होगा, ये प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। जैसे आपको पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है एसेट साइड में तो वो हमारा लॉस है, अगर वो बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, नहीं बांटना चाहते तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में करेंगे। उसके बाद हम करते हैं डेफर्ड एंड एक्सपेंडिचर, जैसे आपको याद होगा अभी मैंने पिछले समय ही कराया था कि डेफर्ड एंड एक्सपेंडिचर जो है हमें दे रखा है तो हम पार्टनर में कौन सी रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, पर यहाँ पर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं करना चाहते, शो ही नहीं करना चाहते, वो एक दूसरे से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या हमारे लिए लॉस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमारा नेट इफेक्ट देखो क्या आता है, डिपेंड करते हैं वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अब इसके बाद हम करेंगे स्टेप टू, स्टेप वन तक तो आपको समझ आ गया होगा बेटा, अब आप लिखिए स्टेप टू। स्टेप टू में आपने क्या करना है, आपको याद होगा जब हम पार्टनर का नेम पढ़ लेते हैं कि ओल्ड रेशियो भी दी हुई है और न्यू भी दी हुई है तो आप क्या निकालते हो, सैक्रिफाइस और गेन निकालते हो, है ना, निकालते हो ना, तो आप स्टेप टू में ये कर लीजिए। नंबर टू, कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन, वो आपको आता है ओल्ड माइनस न्यू करके और गेन। फिर स्टेप थ्री में क्या करोगे, स्टेप थ्री में कैलकुलेट पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर लिख देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस किया उसका हिस्सा निकाल देंगे। जैसे आपको याद होगा मैं क्या करती थी, मैं जब गुडविल होती थी उसमें उनका हिस्सा निकालती, एंड गेनिंग पार्टनर्स शेयर, आपको याद होगा जैसे गुडविल में हम करते थे ना सबका शेयर निकालते थे, सेक्रीफाइसिंग का भी गेनिंग का भी। अब बात करेंगे हम स्टेप फोर की, स्टेप फोर में बेटा हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री करेंगे, पास सिंगल एंट्री, इसको सिंगल एंट्री भी कहते हैं, इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं, एडजस्ट करना। अब इसमें बेटा ये डिपेंड करता है हमारा आंसर कैसा आया है, अगर तो हमारा पॉजिटिव आया है इन इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो तो क्या एंट्री होगी, दोनों में से एक होगी, और एक होगा इफ नेट इफेक्ट इज क्या नेगेटिव। आपको याद होगा जैसे मैंने आपको बताया था ना गब्बर सिंह, तो आप यही करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने वैल्यू गुडविल में सिखाया था, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल आएगा, अगर फिक्स हो तो करंट आएगा। टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है, या करंट अकाउंट, वो आपको पता है जब कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट आता है, फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट आता है। तो आप क्या कर दोगे बेटा, आप वो लिख दोगे, क्या लिख दोगे,
एंट्री में अमाउंट लिख दोगे। अमाउंट कैसे निकलेगा, जो हमने अभी पहला स्टेप किया था ना उसमें जो नेट इफेक्ट आया था अमाउंट, उसको हम इनका सेक्रीफाइस और गेन निकालने के बाद जो उनका हिस्सा निकलेगा वो डाल देंगे इसके अमाउंट। और अगर बात आती है हमारा आंसर माइनस में आ जाए, तो मैंने बोला था ना गब्बर सिंह को उल्टा लटका दो, तो अब क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग, मतलब जैसे गब्बर सिंह है तो अब सिंह टू गब्बर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग। ये तो आपको समझाने के लिए है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल का पाएगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और करंट का पाएगा जब कैपिटल फिक्स्ड है। मेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। अब ये पॉइंट्स दोबारा बताने की कोशिश, स्टेप फोर तक ही खत्म हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपको दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ, हमें कैसे पता चलेगा ये चार स्टेप फॉलो करने हैं। जिस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दे रखा है एसेट्स बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, या लायबिलिटीज बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, और पार्टनर डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड लॉसेस, है ना, नहीं बांटना चाहते, तो हम क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। मैंने बताया जैसे रिवेल्यूशन जो है अकाउंट नहीं बनेगा, तो हम करेंगे क्या, जो हमारी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है, दोनों फायदे हैं उनको प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो ये प्लस माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा, या तो रिवेल्यूशन का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसमें एडजस्ट कर देंगे वैल्यू ऑफ गुडविल एंड accumulated profits एंड reserves, प्लस कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे accumulated losses और deferred revenue expenditure। तो जो हमारा आंसर आएगा ना उसको क्या करना है, उसको करने से पहले हम पार्टनर का सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, फिर जो उनका आंसर आएगा सेक्रीफाइस और गेन का नेट इफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आएगा, फिर हम एंट्री करेंगे। हमारे आंसर अगर प्लस में आया, स्टेप वन का आंसर प्लस में आया तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा, और अगर माइनस में आया तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगा। अभी क्या होगा बेटा, आपको मैं ये क्वेश्चन की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ। बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 करा रही हूँ, पहले रीड कर रही हूँ। पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:3। तीन पार्टनर हैं जिसकी रेशियो 5:12, 4:12 और 3:12 दे रखी है। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स दे रखे हैं 50,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 है, जनरल रिजर्व 75,000 है। पार्टनर की कैपिटल दे रखे हैं पी क्यू आर की, पी की 4 लाख है, क्यू की 3 लाख है, आर की 2 लाख है, 9 लाख कैपिटल है। टोटल जो लायबिलिटी साइड का 10,30,000 है। एसेट साइड कैश एंड बैंक 40,000, सैलरी डेटर्स 2,10,000 है, स्टॉक जो है 3 लाख है, फर्नीचर 60,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000 है। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी है 4:9, 3:9, 2:9। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग रिवेल्यूशन वर मेड, ठीक है, क्या किया गया। नंबर वन, फर्नीचर वर टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, कि फर्नीचर 80% तक रह जाए। फर्नीचर हमारे पास 60,000 है, 60,000 का 80% होता है 48,000, तो यानी कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हो गई, 60,000 में से 48,000 माइनस करके तो 12,000 डाउन हो गई, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। अब पेंसिल से लिख दिया करो कि क्या लॉस है और क्या गेन है, तो ये लॉस है, माइनस होएगा। अगला, स्टॉक हमारा एप्रिसिएट होगा 20% से, स्टॉक 3 लाख है उसका 20% करो 60,000 बन जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम आपको पता प्लस होता है या गेन कह सकते हैं उसको। अगला है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू डेट 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी पहले 4,20,000 थी, अब 4 लाख रह गई, 20,000 का हमारा क्या है, लॉस है। हम लॉस इकट्ठे लिखते जाएंगे और गेन जो है अलग लिख लेंगे ताकि हमें आसानी से प्लस माइनस कर सके। अगला आता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर 10,000 ऑन डेटर्स, कि डेटर्स के ऊपर हमें 10,000 का प्रोविजन लगाना है, यानी कि डाउटफुल है हमारे डेटर्स तो ये हमारे लिए लॉस है। अब आपको मैंने 3 लॉसेस बताए, एक लॉस और भी है, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर टू बी इंक्रीज बाय 3,000, जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 से बढ़ गए हैं, तो ये भी हमारे क्या है, लॉस है। मैंने क्या क्या बताया, एक नंबर वन फर्नीचर डाउन हुआ वो लॉस है, प्लांट एंड मशीनरी डाउन होगी वो हमारा लॉस है, प्रोविजन क्रिएट किया वो हमारा लॉस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा लॉस है। फायदा सिर्फ हमारा कौन सा, एक ही है, जो कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी। अब ये लाइन इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्टनर एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू, अल्टर्ड मतलब चेंज वैल्यू,
आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स कि चेन वैल्यू शो नहीं करनी, तो आपको पता चल गया इसमें हमें रिवोल्यूशन काउंट नहीं बनाना, जो भी हमने वो एडजस्टमेंट करनी है वो प्लस माइनस करके देख लेंगे क्या है। एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व बुक, जनरल रिजर्व बांटना ही नहीं चाहते। हमारे पास बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवोल्यूशन का आएगा, मे बी प्रॉफिट आए मे बी लॉस आए, प्लस माइनस करके जो आएगा उसमें हम जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे प्लस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल नहीं दे रखी, अगर होती तो वो वैल्यू गुडविल भी क्या हो जाती प्लस हो जाती, और हमारे पास कोई अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज नहीं है। प्रॉफिट होते तो प्लस होते, लॉसेज होते तो माइनस होते। अगर प्रॉफिट होते तो कहाँ लिखे होते हैं, लाइबिलिटी साइड लिखे होते हैं, जिसको हम पी एंड एल अकाउंट भी कहते हैं। अगर लॉस होता तो कहाँ लिखा होता, पी एंड एल अकाउंट एसेट साइड होता, और ना ही हमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ, अगर वो लिखे होते तो कहाँ होते एसेट साइड। अब कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जनरल एंट्री, अंडरलाइन करना है इस वर्ड को, सिंगल मतलब एक ही एंट्री बनानी है। एक एंट्री क्या बनेगी, ड्यू टू सेक्रीफाइसिंग, अगर पॉजिटिव आंसर आता है, अगर आंसर माइनस में आता है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर आएगा। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, उन्होंने कहा बैलेंस शीट भी बनानी है, मीन्स इस क्वेश्चन में हमने रिवोल्यूशन नहीं बनाना, क्योंकि पूछेंगे भी नहीं वो बनाने का, कारण ही है ना वो रिवाइज वैल्यू शो करना ही नहीं चाहते। दूसरा कैपिटल अकाउंट पूछ सकते थे पर इन्होंने नहीं पूछा तो हमने नहीं बनाना, हमने क्या बनानी है बैलेंस शीट बनानी है। तो मतलब पहले तो हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे, फिर एक सिंगल एंट्री करेंगे, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो आप एट टाइम्स क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आप वर्किंग नोट्स शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, पार्टनर का नाम बेटा क्या है, पी क्यू आर। आप चाहे स्टेप जो एज पहले ये भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास दे रखा है 5, 4, 3, ये कौन सी रेशो है, ओल्ड रेशो। न्यू देखिए बेटा कितनी दे रखी है इनकी रेशो, 4, 3, 2, 4:3:2। अब आप निकालें पहले सेक्रीफाइस और गेन, जरूरी नहीं है कि ये वाला स्टेप 1 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्रीफाइस और गेन, पी का आ गया 5/12 माइनस 4/9। अब आपको पता है इस तरह से 36 होता है, अगर नहीं आता तो मैं आप करके दिखा देती हूँ। 36 आ गया, ठीक है। 12 के टेबल पर 36 3 पर, 3 5 15, 9 के टेबल पर 36 4 पर, 4 4 16, माइनस 1/36। ये क्या है हमारा गेन, ठीक है। अब बात करें क्यू की, तो क्यू का कितना बेटा 4/12 माइनस 3/9, तो एलसीएम आ गया 36। अब आप क्या करेंगे, 12 के टेबल पर 36 3 पर, 3 4 12, 9 4 36, 4 3 12 0 आ गया। इसको ना कोई फायदा हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, ठीक है, एंट्री में आ ही रही है इसका नाम। अब बात करें आर की, आर का शेयर बेटा कितना आया है 3/12 माइनस 2/9, एलसीएम कितना आ गया 36, 12 के टेबल पर 36 3 पर, 3 3 9, 9 के टेबल पर 36 4 पर, 4 2 8, 1/36। मीन्स जितना ही पी ने गेन किया है उतना ही क्यू, आर ने क्या किया सेक्रीफाइस किया, क्यू को कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। अब आप इसमें स्पेस छोड़ दो, बताओ क्यों क्या है, मैं स्पेस छोड़ो क्योंकि प्लस माइनस करके जो आएगा वो अभी हमने स्टेप किया नहीं है, तो ये जगह छोड़ दो, इतना इतनी जगह की जरूरत है बस। तो आप क्या निकालोगे फिर, आप सेक्रीफाइस और गेन जो जिनका आया है, जैसे पी का आया है या आर का है, वो इतना अमाउंट है, किसका 1/36 करेंगे, किसका 1/36 करेंगे, वो हमने अभी निकालना है, ठीक है। अब याद रखना पी जो है डेबिट होगा और आर जो है क्रेडिट होगा 1/36 से। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अभी आपने स्पेस छोड़ दिया, अब आपने एडजस्टमेंट्स कर लिए, अब हैडिंग डालो एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स शॉर्ट फॉर्म में बस लिख दो, पहले आप लिख दो। अब हमारे पास सारे क्या थे, लॉसेस थे, सिर्फ एक गेन था, अब लिखोगे गेन ऑन, गेन ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू क्या होगी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं स्टॉक हमारे पास पहले 3 लाख था ना, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 60,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई फायदा नहीं है, लॉस है ड्यू टू डिक्रीज इन द, डिक्रीज वर्ड बोल रही हूँ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कम हुई है, 3-4 चीजें हुई है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर पहले बेटा देखिए आप कितना है,
फर्नीचर हमारे पास था पहले 60,000 का, अब 80% रह गया। 60,000 का 80% 48,000 होता था, कितनी यानी कम होगी 12,000। ये मैंने माइनस में लिख दिया कि इसमें से माइनस होगा क्योंकि लॉस है। फिर यहाँ पे लेस भी लिख सकते हो आप, लॉस ऑन ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी पहले 4,20,000 थी, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही प्लांट एंड मशीनरी, पहले 4,20,000 थी, अब 4,00,000 होगी तो कितनी कम होगी 20,000। ये हमारा लॉस है इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया, ये भी लेस हो गया। अब एक लेस और भी होगा, क्या लेस होगा, हमारा जो प्रोविज़न बनाना है प्रोविज़न, क्योंकि टोटल 5 आइटम है, एक ही फ़ायदा है, आर्टिकल के लॉस ड्यू टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट का प्रोविज़न बनाएंगे, हमारे डेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम होने से हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कितना है 10,000 रुपये, ठीक है 10,000। आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्लियर है। आप एक और लॉस है, आप लिखोगे लेस लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, बढ़ रहा है याद रखना, हमारी लेबिलिटी बढ़ रही है तो वो भी तो हमारा लॉस है, इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या है बेटा, लेबिलिटी है, लेबिलिटी बढ़ेगी तो भी हमें क्या होगा, लॉस होगा, कितना है 3,000, ठीक है। अब हमने देखा हमारे पॉइंट्स कितने थे, पाँच जो हमने कर लिए, अब आप इसको पहले प्लस करो, 45,000 आ गया माइनस में, 60,000 प्लस में है और 45,000 अगर माइनस में है तो हमारा क्या आ जाएगा, 15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना, 45,000 के। तो हम अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन लॉस नहीं कहेंगे इसको, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस पता कब आता है, जब हमारा आंसर माइनस वाला ज़्यादा होता है। ये हमारा आगे बेटा 15,000 पॉजिटिव है तो इसलिए मैंने बिना ब्रैकेट के लिखा। फिर लिखे कि ऐड जनरल रिजर्व को भी हमें ऐड करना है क्योंकि लिखा पड़ा है पार्टनर उनको बांटना नहीं चाहते। अगर अच्छा मान लो कुछ ना लिखा होता फिर जनरल रिजर्व टू पी के ओर होता ओवर रेशियो में, हमारे पास जो है जनरल रिजर्व है 75,000, टोटल आ गया हमारा 90,000। आप इसके आगे लिखो नेट अमाउंट, नेट इफेक्ट भी लिख सकते हैं, नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो गुडविल होती है हमारे पास वैल्यू गुडविल, उसको भी हम ऐड करते हैं, मान लो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी सब दिया होता है, उसको भी हम ऐड करते हैं। अगर मान लो हमें जनरल रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना होती ना, तो हम जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटते हैं, फिर एंडेड जनरल रिजर्व अकाउंट एबल टू पी टू क्यू टू आर होती, फिर हम इसमें इसको प्लस ना करते हैं। अब बेटा जहाँ हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ पर हम क्या करेंगे, पी का शेयर लेंगे, पी का शेयर 1/36, आर का भी 1/36, 90,000 का वहाँ स्पेस छोड़ा था आपने, आप लिखेंगे पीज शेयर 90,000 इंटू 1/36, 9 के टेबल पे इसको काट सकते हैं, 2500 आ जाएगा। आपको क्यू का निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि क्यू का क्या आया था बेटा, 0 आया था, तो आप लिखोगे आर शेयर कितना आया, सेम ही आया बेटे 90,000 का 1/36, 2500। अब आपको क्या करना, जनरल कराने को कहा है, सिंगल एंट्री ही होगी। अब 2500 जो है देखेंगे किसने गेन किया था, पी ने गेन किया था ना, तो पी को डेबिट करेंगे और आर को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आप जनरल बना लीजिए, जनरल डेट पर्टिकुलर्स, फिर बनाएंगे हम एल एफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, एक ही एंट्री आएगी इसकी, जिस डेट को बेटा रिवाइज हुई है ना रेशो उस डेट को आएगी, जिस डेट को रिवाइज हुई है 2019 में April 1 को। आप क्या करोगे, पी को डेबिट करोगे क्योंकि इसने गेन किया है, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है इसलिए, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2500, ये आया था आंसर हमारा 2500 बी एडजस्टमेंट फॉर, किसकी एडजस्टमेंट की हमने,
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन PSR खत्म हो गया ये। और अब हमें बैलेंस शीट बनाने को कहा है तो हम उनकी कैपिटल को क्यों ना एडजस्ट कर लें, किनकी एडजस्टेड कैपिटल सभी की। पी की कैपिटल बेटा कितनी थी, देखो पी की कैपिटल पहले 4 लाख थी है ना, उसमें हम क्या कर देंगे डेबिट हुआ तो 2500 रुपये क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 397500 माइनस करते, ठीक है। अब बात करें क्यू की, क्यू की जो कैपिटल है ना बेटा 3 लाख की 3 लाख रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि क्यू को ना कुछ दिया था ना ही कुछ लिया था। अब बात करें आर की, आर की 2 लाख है, 2 लाख में हम ऐड कर देंगे जो 2500 हमने आर को दिया था, देख सकते हो उसको क्रेडिट किया है 202500। आपको इससे पता ही चल रहा है कि हमने एक दूसरे से लिया दिया है, कैपिटल में कोई ज्यादा चेंज जो भी चेंज आया है एक दूसरे में आया है। तो हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे ना जब, तो बैलेंस शीट में हम सारी की सारी एज इट इज एसेट्स लिखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा एज इट इज लिखनी है, क्योंकि जो लिखा पड़ा क्वेश्चन में कि वो शो ही नहीं करना चाहते रिवाइज वैल्यू, तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट अभी बताती हूँ क्या कह रही हूँ मैं, एज एट April 1 जिस डेट को रिवाइज हुई है 2019, फॉर्मेट सबको पता है क्या होता है बेटे, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। एसेट ना बेटा जो दी हुई है वो एज इट इज लिखो जो क्वेश्चन के अंदर है। अब बच्चे पूछते मैम क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ लो कि वो रिवाइज वाली शो ही नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते होते तो हम क्या कर देते बेटा, तब तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते ना। अब हमें कैश एंड बैंक दे रखा है बेटा 40,000 एज इट इज। उसके बाद हमें दे रखा है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स वो भी हमने क्या कर दिए एज इट इज लिख दिए, कितने हैं हमारे पास 2,10,000। उसके बाद हमारे पास क्या है स्टॉक है 3 लाख। आपने कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना क्योंकि हमने रिवाइज वाली शो भी नहीं करनी। फिर बात करें हम फर्नीचर की, फर्नीचर कितना हमारा 60,000 है, वैसे का वैसे रहेगा। लॉन्ड्री मशीन हमारी कितनी है 4,20,000 की, ठीक है आप 4,20,000 ही लिखोगे, कुछ भी चेंज नहीं लिखना क्योंकि लिखा हुआ है दे डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू। अब आ जाए लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड हमारे क्रेडिटर्स दे रखे हैं जो सैलरी क्रेडिटर है वो आपको पता ही हमारी लायबिलिटी है, तो एज इट इज मीनर कुछ भी चेंज नहीं करना 50,000। अब बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, चाहे इसमें चेंज आया भी था हमने क्यों नहीं करना, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि पार्टनर शो ही नहीं करना चाहते रिवाइज वैल्यू, हम एज इट इज लिख देंगे। अब बात करें हम जनरल रिजर्व की, वो भी हम लिखेंगे। अब बच्चे पूछते हैं हम क्यों लिखा, क्योंकि हमने कौन सा जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में मेंटेन किया, हमने तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया था ना, एक दूसरे से दिया लिया था ना, तो तब भी आएंगे। अगर मालूम जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट देते फिर ना आते यहाँ पर। अब लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि जनरेजा बांटने हैं तो आप जनरेजा बांटते ओल्ड रेशो में उनके कैपिटल में ये प्लस कर देते जो उनका हिस्सा था, फिर यहाँ जनरेजा ना आते। पर क्योंकि हमने उनको ओल्ड रेशो में नहीं बांटा था तो अब क्या होगा एज इट इज लिखे। ये कहाँ से आया, ये अभी मैंने आपको करके बताया है, 4 लाख में से 2500 माइनस कर दिए और 3 लाख का 3 लाख ही आ गया, क्यों में कोई चेंज नहीं आया कैपिटल में, इसका 202500 आया, प्लस करेंगे इनकी कैपिटल दोबारा 9 लाख ही आएगी, आप करके देख सकते हैं ठीक है। और एज सच लायबिलिटीज के आगे इक्वल आ जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, 10,30,000। ठीक है बेटा, आज आपने बेटा इस
वीडियो में क्या सीखा, एक तो क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जनरल बनाया था रिवेलेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज हो रही थी वो एंट्रीज करी, और एक बी टॉपिक किया था, केस बी था जिसके अंदर हमारे पार्टनर जो है रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को शो नहीं करना चाहते। तो एक होप करती हूँ कि बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।